गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज बात तीन दिन से चल रही थी बल की। आज बल को सक्रिय करने की बात की जाएगी, बल को कैसे सक्रिय किया जाए। अब हमारे पास आज का और कल का दिन रह गया है। शक्तिपात की बात भी साथ साथ जोड़ करके रखना। कोई ये सोचता हो जैसे किसी के मुंह में दवाई उड़ेल दी जाती है, ना भी ले तो जबरदस्ती ला करके डाल दी जाती है, तो ऐसे शक्तिपात नहीं होता है। शक्तिपात भावना पर होता है, व्यक्ति के विश्वास पर होता है, व्यक्ति की आस्था पर होता है, उसको शक्तिपात कहते हैं। अगर आपका विश्वास आस्था नहीं जगा तो आपकी भावना नहीं जगेगी। शक्तिपात इसी को कहते हैं कि वो प्रभाव हमारी आत्मा पर जाकर के पड़े और हमारी आत्मा आत्म तत्व वो क्रियाशील हो जाए, उसको कहते हैं शक्तिपात। मैं दोबारा से कहूंगा, जो जीवन हमको ईश्वर के द्वारा दिया गया है वो हमारा, समझिए, बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन हो, उसके लिए दो अनुबंध हैं। एक को कहते हैं संस्कार और एक को कहते हैं संस्कृति। संस्कार और संस्कृति, संस्कार में बंधा है, संस्कार से जो पैदा होती है उसको कहते हैं सभ्यता। सभ्यता, सभ्यता का जो संचरण होता है या उसकी क्रियाशीलता है वो समाज के अंदर है। व्यक्ति जितना सभ्य होगा उतना ही समाज के सम्मान को प्राप्त, अनुग्रह को प्राप्त करेगा। परंतु यहां एक बात और कहता हूं, बाहर से तो सभ्य है, परंतु संस्कार वैसा नहीं है। मैं गलत बता गया, बाहर होती है संस्कृति, अंदर से होती है सभ्यता। सभ्यता अनुशासन को कहते हैं, अनुशासन को कहते हैं, और अनुशासन अंतरंग से क्रियाशील होता है। सभ्यता एक प्रकार का बाह्य अनुबंध है, सभ्यता एक प्रकार का बाह्य अनुबंध है, और संस्कृति एक प्रकार का आत्म अनुशासन है। सोचो, अगर आप अपने आप को, मैं फिर से कहता हूं, एक किसान अपने खेत में जाकर के खेती बोता है, बीज बोता है, खेती बोता है, खरपतवार नहीं बोता है, परंतु वो उगाती है। जैसे व्यक्ति समाज में अपने जीवन को जीता है, समाज का जो प्रभाव उसके ऊपर आकर के पड़ता रहता है, उस समाज के प्रभाव से विकार उसके अंदर पैदा होते रहते हैं, उन विकृतियों को दूर करने के लिए बाह्य और आंतरिक अनुबंध, सभ्यता और संस्कृति दोनों का आपस में मेल करना होगा। यहां एक बात और कह देना चाहूंगा, एक बात और कह देना चाहूंगा, सभ्यता और संस्कृति एक ही स्रोत के, उनका मूल एक ही है,
अंदर से जब पैदा होता है तो बाहर जाकर के निकलता है, बाहर रहता है तो दिखावा करता है, ड्रामा करता है। ज्ञान होने के कारण दूसरों के सामने कुछ कुछ बन करके दिखाना चाहता है, परंतु झूठा होता है, खोखला होता है। शब्दों के रूप में आदमी चाहे जैसी व्यक्ति अभिव्यक्ति कर ले, मैं भी बोल रहा हूं, मेरे बोलने के अंदर अगर ताकत आएगी, ठोसता आएगी, तो वो तभी आएगी जब वो चीज मेरे अंदर से संस्कार के अंदर होगी। व्यक्तित्व को निखारने का, उसे पूर्ण मानव के रूप में विकसित करने का अगर कोई तरीका है तो दोनों तरीकों को एक साथ निभाना पड़ेगा, वरना जान लेना खड्डे में भरा हुआ पानी सड़ जाता है, बहता हुआ पानी ही पवित्र होता है, साफ होता है। आपको ज्ञान होगा, मैं नहीं मना करता, आपके अंदर संस्कार होगा, परंतु अगर क्रियाशील नहीं है, दुष्कृत्यों ने, दुष्प्रवृत्तियों ने अगर उसको दबा लिया है तो वो क्रियाशील नहीं हो सकता। अनुबंध की व्यवस्था और अनुबंध की उसको समझाना, व्याख्या करना, अंत से उद्भूत जो अनुशासन है उसी को कहते हैं। अगर इसको समझना है, इसकी व्याख्या करनी है, मैं मोटे अर्थों में फिर से बता रहा हूं, आपके अंदर से जो भाव उठ रहे हैं, जो भाव उठ रहे हैं अंतःकरण से, जो भाव उठ रहे हैं वही अनुबंध है, वही अनुशासन है। संस्कृति जो संस्कारों को अभिवर्तन करने का जो क्षेत्र है वो हमारा अंतःकरण है। जब तक अंदर से आपको एक बात नहीं लगेगी, ये कमी मेरे अंदर है, ये बुराई मेरे अंदर है, तो सफाई किसकी करोगे? अब वो तब तक नहीं होगा जब तक अहंकार रहेगा। जब तक अहंकार रहेगा तब तक आपको समझ नहीं आएगा, ये साफ साफ जान लें। अगर इससे आप करना अपने आप को आप पवित्र करना चाहते हैं तो अंतः की बाहर अभिव्यक्ति होने वाली प्रतिक्रिया इस प्रकार की हो कि मोटे तौर से दोनों ही गुण एक ही मूल सत्ता के अंदर से उपजे हैं और वो इस संसार में जाकर के खप जाए, वो इस संसार में, इस वातावरण में जाकर के खप जाए। सुसंस्कारिता को किसी भी वर्ग, समाज, देश, उसका मेरुदंड कहा जा सकता है। उसके अभाव में पाखंड बाह्य उपचार कितने ही हो रहे हैं, परंतु वो सब निरर्थक हैं, दिखावे हैं सब। सारा वैभव इसके ना होने की स्थिति में धूल के समान है, धूल के समान। आज व्यक्ति बाहर के पहनावे, तरह तरह के आवरण बना करके अपने प्रभाव को जमाना चाहता है, परंतु वो मात्र एक धूली है। अंतःकरण से, अंदर से सब जानते हैं कि सत्य क्या है, छिपाए से छिप नहीं सकता। सूरज निकलेगा तो छिपाए से छिप नहीं सकता, घटा चाहे कितनी ही हो जाए, जितनी ज्यादा होगी उतना अंधेरा हो जाएगा, परंतु सूरज नहीं छिपेगा। बाहर के संस्कारों की दृष्टि से जो व्यक्ति खोखले होते हैं, उनके ऊपर जो प्रभाव छाए हुए होते हैं, मैंने बताया था आपको तीन प्रभाव जो व्यक्ति के सत्य को, व्यक्ति के होने के, अंतरात्मा के सत्य को छुपा करके रखते हैं। पहला बताया था भ्रम, भ्रम भटकावा, भ्रम माने भटकावा। दूसरा बताया था स्वार्थ,
और तीसरा बताया था आग्रह, आग्रह जो दूसरों की चापलूसी करता रहता है अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए, वो भ्रम में भटक रहा है। और भ्रम में भटकने के कारण वो सत्य को नहीं पहचान पा रहा है, वो सत्य को नहीं पहचान पा रहा है, उसकी समझ नहीं आ रहा है। अनुशासन मर्यादा पालन को कहते हैं। जो आदमी जितनी मर्यादाओं में अपने आप को बांध करके रखता है उसका आत्म अनुशासन उतना ही पक्का होगा। आत्म अनुशासन उसका उतना ही पक्का होगा, वरना आदमी दिखावे के रूप में कितना ही अपने आप को दृढ़ बना करके दिखा ले, परिस्थितियों के सामने जाकर के कच्चा पड़ जाएगा। मैंने रोते बिलखते कलपते हुए आदमियों को देखा है जो मजबूर हो करके क्या करूं क्या करूं क्या करूं, उनकी क्षमता नहीं रह गई, उनकी क्षमता नहीं रह गई कि वो परिस्थितियों का मुकाबला कर सके। मनुष्य के पुरुषार्थ को स्वतंत्रता जरूर ईश्वर ने दी है, पर स्वेच्छा से कुछ भी भला बुरा करने की स्वतंत्रता नहीं दी है। कर सकता है परंतु उसका फल भी भोगना पड़ेगा। स्वेच्छा से कर सकता है परंतु फल को नहीं भोगना चाहता, इसलिए वो मजबूर करता है। देख लीजिए, मैंने अभी कहा है मजबूरी में रोने का कल्पना कल्पने की बातें मैंने अभी आपसे कही। आदमी कलपता रहता है, रोता रहता है। धर्म धारणा ने सन्मार्ग पर चलते हुए अनुशासन के द्वारा लगाए गए अंकुश स्वीकार नहीं किए। अगर स्वीकार किए होते तो उन पर चलता। हाथी को चलाना हो तो उसे अंकुश से चलाया जाता है, वरना स्वच्छंद अगर हाथी को छोड़ दिया जाए तो वो जंगली हो जाता है और रोंदता कुचलता तोड़ता हुआ फिरता है। वही हाथी जब अंकुश से साधा जाता है तो महावत के अनुकूल हो जाता है, उसके इशारे पर चलता है, क्योंकि उसे पता है उसकी हर गतिविधि पर नियंत्रण रखने वाला महावत उसके सिर पर बैठा हुआ है, जो उसका मार्गदर्शन करता है। तभी उसकी क्षमता का सही उपयोग कर पाता है। इसके बिना उच्छृंखलता अपना करके विनाशकारी घटना के क्रम को खड़े किए जा सकते हैं। हर समाज, हर समूह, हर धर्म, हर संप्रदाय के अंदर ऐसी मर्यादाएं, वर्जनाएं, संस्कार रूपी आत्म अनुशासन का प्रावधान यही सोच करके किया गया है कि इस आधार पर इस संप्रदाय को चलाया जाएगा, उसे नियंत्रित करने, आत्मिक प्रगति के पथ पर लेकर के चलने के लिए उस पर सीमाएं लगाई जाती हैं, उस पर बंधन लगाए जाते हैं। इसी को देव संस्कृति की विशेषता कहते हैं। देव संस्कृति की विशेषता इसी को कहते हैं। मैंने देखा है बहुत सो को कहते हुए, मेरे संप्रदाय के साथ जुड़ जाइए, मेरे गुरु के साथ जुड़ जाइए, आपका उद्धार कर देगा। ऐसा कोई दुनिया में है किसी के कर्मों को पापों को अपने ऊपर ले ले?
एक एक संत के साथ इतनी सारी पब्लिक जुड़ी हुई है, वो मार्गदर्शन जरूर कर सकता है, परंतु उसके पाप अपने ऊपर लेकर के उसका पीछा नहीं छुड़ा सकता है, सहायता कर सकता है। तो यहां मैं इसको भटकावा कहूंगा। आदमी जितना अनुशासनों में बंधता चला जाएगा, जितनी सीमाओं में रह करके चलेगा, वरना उस महावत के ना होने से उस हाथी की तरह से बेलगाम अनियंत्रित होगा, जो फसलों को रोंदेगा, पेड़ पौधों को उखाड़ेगा, तोड़ेगा, विनाश की प्रक्रिया को करेगा। और आज यही हो रहा है। आदमी बाप से नहीं डरता, अपनी अपनी इज्जत से नहीं डरता। आदमी ठीक बोलता है कि कर ले, मेरा क्या बिगाड़ेगा, क्योंकि उसको डर शर्म नहीं रह गया। शालीनता के उत्पादन के लिए दोनों आदर्शों को आपको मानना पड़ेगा। शालीनता के उत्पादन के लिए दोनों आदर्शों को आपको मानना पड़ेगा, सभ्यता और संस्कृति। उसके प्रति अपनी आस्था, सद्भावना, सद्विचारना जागृत करनी होगी। जहां उत्कृष्ट चिंतन चल रहा होगा, दूसरे के प्रति सम्मान का भाव अपने आप जग रहा होगा, उत्कृष्ट चिंतन के कारण। अपने में सज्जनता का आरोपण करना होगा। आरोपण कहा है, थोपना कहा है, वो करना पड़ेगा। नागरिक कर्तव्यों का परिपालन करना होगा। अपने आप को मजबूर करना होगा। जो नागरिक कर्तव्य हैं आपके, उनको आपको करना होगा, तभी शिष्टाचार निभेगा और सभ्यता के रूप में जाना जाएगा, अनुशासन के रूप में अपनाया जाएगा, छल पूर्वक नहीं, छल पूर्वक नहीं। नाटकीय सज्जनता पाखंड कहलाती है और सच्चाई को प्रकट होने में देर नहीं लगती है, देर नहीं लगती है, फटाक से सामने आ जाती है। सभ्यता का व्यवहार जब आदमी करता है, सभ्यता का व्यवहार जब आदमी करता है, तो सुसंस्कारिता के बलबूते ही वो बन पड़ता है। जब सुसंस्कारिता के बलबूते सभ्यता का व्यवहार करता है, तो सामने वाले पर जाकर के उसका 100% प्रभाव पड़ता है। अंतरंग जैसा होगा, बहिरंग भी वैसा ही होगा। दोनों एक रंग में रंगते चले जाते हैं। कोई ये चाहे कि बाहर से साज सज्जा वेशभूषा स्वयं को सभ्य सम्माननीय बना ले, अंतरंग के चिंतन के अनुरूप होने के कारण वो व्यवहार में कहीं नहीं झलकता दिखाई देगा, रोक नहीं सकता। उच्च स्तरीय भाव परक, उच्च स्तरीय भाव परक, मैं कह रहा हूं, बाहर से आपके फटे पुराने कपड़े हैं, विवेकानंद जब यूएनओ में बोलने के लिए गए तो रात काटने के लिए सिक्योरिटी गार्ड के खोके में रह करके उन्होंने अपनी रात को काटा। पहनावे के रूप में एक चोगा ऊपर से उन्होंने पहन रखा था।
ऐमे ही गिरा पड़ा आदमी उनको समझ करके तरस खा करके सिक्योरिटी गार्डों ने उन्हें अपने पास रख लिया। यूएनओ में बोलने के लिए जब सड़क पर जा रहे थे, वहां के नागरिकों ने उन पर फपतियां कसी, हंसी उड़ाई, परंतु शांत स्वभाव से वो निश्चल भाव से चलते चले जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ। उनके वेशभूषा वेश विन्यास को देख करके सबसे बाद में बोलने का उनको समय दिया गया, परंतु जानते हैं जीरो पर बोलने का उनको विषय दिया गया, जिस पर वो इतने बोले, जितना समय दिया गया उस पर वो इतने बोले कि यूएनओ को हिला दिया और समय होते ही अपनी वाणी को बंद कर दिया। सारा यूएनओ का हिल गया था और सब आग्रह पूर्वक कहने लगे, और बोलिए और बोलिए। अंत में सभापति को सीमा का हटानी पड़ी, सीमा को हटाना पड़ा और उस जीरो पर इतना बोले कि पूरे यूएनओ में कोई नहीं बोला, पूरे यूएनओ में कोई नहीं बोला। और इतना बोल सकते थे कि वो किसी के रोकने से रुकते ही नहीं, क्योंकि अनंत है ईश्वर, अनंत है उसके गुण महिमा, अनंत हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। सभ्यता और संस्कृति की बात आपसे कर रहा हूं, दिवक दिखावे के रूप में बहुत से आदमी बाहर से चिकने चुपड़े दिखाई देते हैं परंतु अंदर से खोखले होते हैं। सभ्यता की अपनी शक्ति होती है, जब उच्च स्तरीय भाव परक चिंतन आपका पैदा हो जाए, उच्च स्तरीय चिंतन परक आपका भाव पैदा हो जाए, तो आपके हर कर्म के अंदर ईश्वर की झलक दिखाई देने लग जाएगी। इसी को पारस कहते हैं, जो उससे छू गया उसका जीवन बदलता चला जाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमको पारस बनना है, अपने चिंतन से, अपने भाव से आपको पारस बनना है। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर भाव आपके चिंतन को छू गया तो सूरज जैसा प्रकाश उसके अंदर भर जाएगा, संस्कार प्रखर हो जाएगा और सभ्यता के रूप में, कर्म के रूप में परिणित होगा। चिंतन की प्रणति सभ्य अनुशासित व्यवहार के रूप में जब होगी तो आदर्श निष्ठा, अच्छे आचरण के द्वारा दूसरों के प्रति परमार्थ परायणता आपके अंदर पैदा हो जाएगी। और ध्यान से सुन लेना, पर दुख कातरता एकात्मक भाव के रूप में परिलक्षित होने लग जाएगा। पर दुख कातरता एकात्मक भाव के रूप में परिलक्षित होने लग जाएगा, अर्थात किसी का भी दुख देखोगे तो उसे सह नहीं सकोगे, पीड़ा अपने अंदर पैदा हो जाएगी, दूर करने की क्षमता आप में पैदा हो जाएगी। अभी मैंने कुछ ही समय पहले बोला है, आज का आदमी परिस्थितियों का गुलाम बन चुका है, कहता है मैं क्या करूं, मेरे से रुकता नहीं, यानी के पाप दुष्प्रवृत्तियां दुषाचरण रुकते नहीं। मैं फिर से कहता हूं, दोबारा से समझें,
कोई बाप नशा करता है वो नहीं चाहेगा उसका बच्चा करे, दिखावे में नहीं, अंदर से चाहेगा कि उसका बच्चा कोई नशा ना करे। अब मैं बार बार हर चीज को नहीं बोलना चाहता, केवल एक बात बोलूंगा, कमी खुद करता है परंतु अपनों से नहीं चाहता कि कोई गलती करे। जब दुख कातरता के रूप में एकात्मक भाव पैदा हो गया तो उस एकात्मक भाव के द्वारा वो किसी के दुख को सहन नहीं कर सकता और उस दुख को अपना दुख बना लेगा, उस दुख को अपना दुख यानी कि अपना कर्तव्य बना लेगा और अपना कर्तव्य बना करके उसमें क्षमता होगी, संस्कृति और सभ्यता की क्षमता होगी, संस्कार की क्षमता होगी और उसको मिटा देगा। मैंने अभी कुछ देर पहले बोला है, कोई किसी के पैर छू करके ये कहे मेरे दुखों को मिटा दे, नहीं मिट सकते। पर एकात्मकता का भाव अगर आपने पैदा कर लिया, अगर उस महापुरुष को, सज्जन पुरुष को आपने जीत लिया एकात्मकता के भाव के कारण, तो आपका उद्धार कर देगा। अगर आपने उसके अंतःकरण को जीत लिया तो आपकी चेतना का उद्धार कर देगा। परंतु उद्धार करने का मतलब ये मत समझ लेना आपके अंदर गुण पैदा हो गए, उन गुणों को पैदा करने के लिए उस भाव को आपके अंदर, अपने अंदर उस भाव को पैदा करना पड़ेगा, जागरण करना पड़ेगा और उस रास्ते पर आपको चलना पड़ेगा। अंतःकरण की सुसंस्कारिता भी अंतःकरण तक ही सीमित होकर के नहीं रहती है, जब वो प्रभाव जाकर के पड़ता है तो वो प्रभाव क्रियाशील होता है। श्रेष्ठ चिंतन और व्यवहार का कोई प्रतिबंध या कोई प्रतिबिंब ना झलके तो उस चिंतन का कोई लाभ नहीं होता, उस चिंतन का भी कोई लाभ नहीं होता। झलकने का मतलब यह है, सूरज चमकता है तो प्रकाश चंद्रमा में भी छलकता है। कहीं कोई शीशा रख दीजिए, उस पर प्रकाश आकर के पड़े तो वो सूरज से भी ज्यादा चमकने लग जाता है, अपनी पहचान सूरज के रूप में बताता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में शीशे लगे होते हैं, सूरज निकलता है उनके ऊपर, उसका प्रतिबिंब जाकर के पड़ता है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर के जो प्रकाश निकलता है वो सूरज के प्रकाश से ज्यादा तेज होता है। कभी देख लेना इस बात को। धूप में शीशे से प्रत्यावर्तित हुआ हुआ प्रकाश ज्यादा प्रभाव को डालता है। ऐसे ही आत्म प्रकाश, आत्म चिंतन के द्वारा जब आपके अंदर प्रकाशित होगा, किसी के अंतःकरण पर जाकर के अपना प्रभाव जमाएगा, एकात्मकता का भाव जगेगा, तो जो तेज भासित होगा वो वास्तविक तेज से कुछ ज्यादा भासित होगा। सुसंस्कर्ता सदाचार सभ्य व्यवहार कर्तव्य प्राणता को जन्म देती है, तो उसकी सार्थकता इस प्रकार संस्कृति और सभ्यता के रूप में एक दूसरे पर संबद्ध होकर के टिकी रहती है, एक दूसरे पर टिकी रहती है, अवलंबित होती है, टिकी रहती है। बाह्य जगत का लोकाचार जिस नींव पर टिका होता है उसे आत्म अनुशासन, संस्कारों की श्रेष्ठता, आदर्शों की निष्ठा के रूप में जाना जाता है।
लोकाचार तो हर जगह है, आप किसी के घर भी जाइए, भारतीय संस्कृति में आप किसी के घर भी जाइए, लोकाचार आपको हर जगह मिलेगा। मैंने सुना है, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है बाहर की, मैंने सुना है बाहर जाकर के पूछते हैं लोकाचार के रूप में कोई किसी से। पहली बात तो सुना है कि वहां मिलता ही कोई नहीं है, समय ही कोई नहीं देता, अगर देता भी है तो अपने स्वार्थ से देता है, मुझे ज्यादा पता नहीं है, फिर भी कह रहा हूं कोई समय किसी के पास नहीं है, कोई किसी से बात नहीं करता, परंतु फिर भी जैसा मैंने सुना है कि अगर वो समय भी देता है तो लोकाचार के रूप में केवल इतना पूछता, ठंडा पियोगे गर्म पियोगे, आपने मना कर दिया दोबारा नहीं पूछेगा आपसे। एक हमारी ही संस्कृति ऐसी है कि अतिथि ना करता है परंतु गृह स्वामी उसको जबरदस्ती करता है, नहीं कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा, इसको कहते हैं लोकाचार। फिर दोबारा से सुनो, कितनी अच्छी संस्कृति के अंदर हम रह रहे हैं। आदमी के पास कुछ अपने लिए है या नहीं है, उस लोकाचार में, अतिथि सम्मान में वो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं आने देता, इसको कहते हैं संस्कार का आत्म अनुशासन। संस्कार का आत्म अनुशासन, आदर्श निष्ठा जैसे लोकोपचार में स्थिरता होती है, क्योंकि आदर्श उसके अंदर होता है। मात प्रदर्शन के लिए किए जाने वाले आडंबर तो क्षणिक होते हैं, थोड़ी सी चमक को दिखा करके तिरोहित हो जाते हैं। दुनिया की ये नीति है। मैं कई बार कह भी चुका हूं, जिनको मेरे से प्रोग्राम कराने होते हैं वो एक हफ्ते पहले मेरे पीछे लग जाते हैं और प्रोग्राम हुआ तो मुझे भूल जाते हैं। ये लोकाचार नहीं है, ये आडंबर है, दिखावा है। सत्य तो वो है जिसमें एकात्मकता का भाव हो, नियमितता का भाव हो, वहां आदर्श होता है, आत्म अनुशासन होता है। बहिरंग को अधिक प्रधानता दी जाती है आज। जो दूरदृष्टि संपन्न विवेकशील होते हैं वो मात्र बहिरंग के सभ्य व्यवहार को ही नहीं, अंतरंग के सुसंस्कारिता को देखते हैं, बाहर पर ध्यान नहीं देते, अंदर पर ध्यान देते हैं। किसी भी स्तर पर याद रखना, जरा व्यवहारिक रूप से बोल रहा हूं, बाहर कैसा हो रहा है, जो अंतर पर ध्यान रखते हैं, यानी कि जिनके अंदर धैर्य होता है, सहनशीलता होती है, विश्वास होता है, गहराई होती है, आदर्श होता है, जो अपनी चेतना को आदर्श में बांध करके रखते हैं, उनके व्यवहार से जो निकलता है वही सत्य होता है। यदि शिष्टाचार का शिक्षण द्वारा अभ्यास में आ गया तो उसकी जड़ें तब तक कमजोर रहती हैं जब तक वो संस्कारों में समाविष्ट जाकर के ना हो जाए। आदमी सच और झूठ को जानता है पर अपनी ही कमजोरी के कारण जब झूठ उसके ऊपर, उसकी चेतना चिंतन के ऊपर आकर के क्रियाशील होता है तो उसके सुख के कारण वो उसको छूट दे देता है। जैसे सब जानते हैं, मैंने आपसे कहा था सद्बुद्धि का संप्रेषण यदि हमारे विचारों पर हो जाए
तो जैसे अंधेरे के अंदर सूर्य की किरणों का प्रवेश हो गया, वहां उजाला हो जाता है। परंतु अगर वो अभ्यास के अंदर नहीं आया, वो सच्चाई व्यवहार में नहीं आई, हमारा संस्कार नहीं बनी, तो हमारी इंद्रिय कमजोरी उन गंदे विचारों को अंदर से जागृत करती रहती है और उनके सुख को लेती रहती है। समझने वाला ये समझता है कि मैंने कोई गलत काम थोड़ी कर लिया, इससे गलत सोचा ही तो है, गलत काम तो नहीं किया है, परंतु ये नहीं जानता कि उस गंदगी का जो संप्रेषण आपके संस्कार पर हुआ है उसने आपको कमजोर कर दिया। क्योंकि जो संप्रेषण हुआ है वो आपकी भावना पर प्रभाव को डालता है। संस्कारों में समाविष्ट होकर के ये बाहर से थोपी हुई शिष्टता सभ्यता अस्थिर रहती है, परिस्थितियां थोड़ी विनुद्ध होने पर गड़बड़ा जाती है और उसका जो परिणाम निकल करके आता है वो यथार्थवादी स्वरूप को धारण करके दृष्टिगोचर नहीं होता। यथार्थता और गंभीरता, यथार्थता और गंभीरता जहां दोनों आपस में घुली मिली हुई होंगी, यथार्थता और गंभीरता जहां दोनों आपस में घुली मिली हुई होंगी, वहां आंधी तूफान आने पर भी वो परिपुष्ट बनकर के रहती हैं। जैसे आंधी या तूफान आते हैं तो पर्वत अविचल बना रहता है, स्थिर बना रहता है, जैसा शांत समय में था वैसा ही आंधी में भी बना रहता है। ऐसे व्यक्ति उस पर्वत के समान हो जाते हैं अपने संस्कारों के कारण, जिनको कोई भी कुसंस्कार डिगा नहीं सकता है। कितनी क्षमताएं उनके अंदर समाविष्ट हो जाती हैं। संस्कारों को व्यवहार में समाविष्ट करने के लिए व्यक्ति को सुसंस्कृत बनना पड़ेगा। महामानवों की यही रीति नीति रही है, इसी के द्वारा वो महामानव बने हैं। वास्तविकता और गंभीर आदर्शवाद में विश्वास को रखिए, ना तो स्वयं हवा में उड़िए। हवा में उड़ने का मतलब बड़प्पन बड़ाई कर ली और वास्तव में वैसे है नहीं, ये कर देंगे ये कर देंगे ये कर देंगे, जब करने का नंबर आया तो खोखले, दूसरों को ख्वाब दिखाते हो। अंतह में दृढ़ता के संस्कारों को जमाओ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आपका संस्कार सब करा करके दिखा देगा। व्यक्ति को प्रखर तेजस्वी मनस्वी बना करके खड़ा कर देगा। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत प्रभावशाली होते हैं, कथनी और करनी का अंतर उनमें नहीं होता है, सहजी सभी के लिए अनुकरणीय बन जाते हैं, महामानव प्रगति के समापन के बिंदु विशेष को ना मान करके सतत संस्कार के अभिवर्धन की बात को सोचते हैं, आदर्श को अंतःकरण में समाविष्ट करते हैं और अपनी परंपरा को चलाते हैं। उनका जीवन जीती जागती किताब बन जाता है, जीता जागता दीपक बन जाता है, जीता जागता प्रकाश का स्रोत बन जाता है। किसी को ऊंचा उठाना हो तो उसे पहले अपनी जड़ों को मजबूत बनाना पड़ेगा। उथलेपन की विडंबना से जो बनेगा वो धराशायी हो जाएगा, वो धराशायी हो जाएगा।
इसलिए अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं जीवन में सदा आती रहेंगी, सबके में आती रहती हैं। बोलो, क्या ऐसे ही अपनी चटनी बनवाना चाहते हो? कुचलना मचलना, कुचलना मचलना, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में क्या चल रहा है? उसको काटूंगा, उसको पीटूंगा, उसको कुचलूंगा, उसका अपमान करूंगा, उसको नीचा दिखाऊंगा। झंझावतों से बच नहीं सकते। आदर्शनिष्ठ व्यक्ति प्रयास और पुरुषार्थ के द्वारा सतत निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं और क्षणिक परिवर्तनों से विचलित नहीं होते। उन्हें अपने सुदृढ़ संस्कारों के कारण स्वयं पर श्रेष्ठता के संपर्क में आने पर चिंतन पर विश्वास रहता है और वही उन्हें सारी कठिनाइयों से उबार कर महानता के पथ पर लेकर के जाता है। इसलिए कहूंगा, श्रेष्ठता समाजगत मर्यादाओं के अनुशासन को कहते हैं। वो अभी पालने योग्य है, उसके लिए किसी की उपेक्षा करना, अवज्ञा बरतना अनुशासन व्यवस्था को डगमगाना है। व्यवस्था में स्थिरता रहेगी तो प्रगति होती रहेगी। कल नवरात्रों का आखिरी दिन होगा, नवमी है कल। कम से कम दो पूरी और कुछ मीठी चीज आप बना करके रख लेना। छह लौंग आहुति के लिए रख लेना। यज्ञ में लौंग की आहुति डलेगी और बाद में दो पूरी छोटी छोटी बना लेना, जितनी छोटी बना सकते हो छोटी छोटी भोग के लिए बना लेना। उस पर मीठा रख करके हमको भगवान को, अग्निदेव को, अग्नि भी पांच प्रकार की होती है, चलिए बाद में बताएंगे, उनके समक्ष साक्षी रख करके, उसको समक्ष साक्षी रख करके अपनी चेतना पर उसके प्रभाव के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको भोग लगाएंगे। कल का प्रवचन 7:40 से तक होगा और 7:40 से 8:15 तक नवरात्रों की पूर्ण आहुति होगी। आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, कल समय 7 बजे से पहले आपको अपना अनुष्ठान जप वगैरह सब पूरा करना होगा। उसके लिए आप चाहें तो आज भी कुछ कल का जप पूरा कर लें, वरना सवेरे जल्दी उठ करके अपने काम को निपटा लें। कल इसकी पूर्णाहुति होगी। आज की बात को मैं यहीं विराम दे रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।